हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे ये कोडेक 43 इंची एलईडी टीवी है। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है, तो इसको हम अभी रिपेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इसमें कैसे क्या चेंज करते हैं हम पीसीबी को, वो सभी चीज़ें बताएंगे आपको। और जो ये एलईडी ली है कस्टमर ने, ये फ्लिपकार्ट से बाय की हुई है और इसका जो है प्रोसेस जो है ये अंडर वारंटी में, अभी 3 ईयर की वारंटी कस्टमर ने ली हुई है। तो इसको ओपन करके हम इसका जो मदरबोर्ड है वो पूरा चेंज करेंगे, क्योंकि कस्टमर के घर पे जो है लाइट जो थी वो 230 वोल्ट से अप आ गई थी, 270-280 वोल्ट के करीब, जिसकी वजह से हमारा मदरबोर्ड जो है वो ब्रंट हो गया। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे और एलईडी जो हमारी बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। तो पहले हम इसके पीछे से बैक साइड से हम इसका ओपन करके और इसका मदरबोर्ड निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों आपको कि ये जो मदरबोर्ड हमें मिलता है ये हमें कंपनी से प्रोवाइड होता बिल्कुल, और जो कोडेक कंपनी है कोडेक कंपनी ही फ्लिपकार्ट को प्रोवाइड करती है और उसके बाद हम लेके कस्टमर के घर पे ऑन साइट हम होम सर्विस देते हैं। इसमें कोई लोकल वगैरह नहीं होती, पीसीबी बिल्कुल ओरिजिनल पीसीबी होती है। तो जब भी आपके ऑनलाइन एलईडी वगैरह खरीदते हो तो उसकी वारंटी ज़रूर ले, जो इंजीनियर आपके घर पे आता है इंस्टॉल करने उनसे ये चीज़ें पूछ भी ले कि इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह, क्या क्या इसके साथ है, क्या नहीं है। तो वो चीज़ें आपको सभी बताएंगे कि आपके लिए ये अच्छा है ये नहीं है, तो उस वारंटी को ज़रूर आप बढ़वाए, क्योंकि उसमें डैमेज का भी ऑप्शन आता है, कंप्लीट प्रोटेक्शन होती है। तो डैमेज में क्या होता है, उसमें 50% वापस आपको रिफंड मिलता है और सेकेंड ईयर मिलता है 40% जितने का आपने एलईडी लिया है उसका, और थर्ड ईयर में मिल जाता है आपको डैमेज होने पे 30%। और अगर आपकी एलईडी डैमेज नहीं होती है तो आपका जो है कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा और कुछ भी फॉल्ट हो इसमें पूरे 3 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और रिमोट की आपकी 6 महीने की वारंटी रहेगी बस। तो ये पीसीबी है जो सेम पीसीबी बिल्कुल ये कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है, कोडेक 43 इंची का ये मदरबोर्ड है, सेम टू सेम है। तो इसकी जिक वगैरह निकाल के हम फाल्टेगी और इसको नई यहाँ पे लगा देंगे और इसको वापस से सेट करेंगे और फिर देखते हैं इसमें हमारी जो है डिस्प्ले शो होती है या नहीं। तो पहले हमारी डिस्प्ले भी बिल्कुल शो नहीं हो रही थी इसमें, तो चलिए इसको मदरबोर्ड को हम निकाल लेते हैं, अभी स्क्रू वगैरह सभी निकाल लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया इस रिमोट की इसमें 6 महीने की वारंटी होती है दोस्तों, चाहे आप वारंटी एक्सटेंड कराओ या ना कराओ, इसमें वारंटी आपकी रिमोट की ओनली 6 मंथ की ही रहेगी। तो इसलिए अपना इंश्योरेंस टाइप का ही होता है, ईडब्ल्यू एक्सटेंड वारंटी बोलते हैं उसे, तो इंश्योरेंस ज़रूर कराए अपना एलईडी का, ताकि हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हम अपना बचा सके। तो चलिए मदरबोर्ड हमारा निकल चुका है, इसको अब हम निकाल के साइड में रख देंगे और इसकी जगह हम अपना नया मदरबोर्ड लगाएंगे और उसको सेट करेंगे। ये मदरबोर्ड जो है अप्रोक्सीमेटली इसमें अगर आपका आउट ऑफ वारंटी एलईडी हो जाता है तो ये मदरबोर्ड आपका 6 से 7 हज़ार का डलता है। तो अभी कस्टमर ने ये अपना वारंटी ली हुई थी तो उसका 1 रुपया भी नहीं लगा, ना विजिट चार्ज का, ना सर्विस चार्ज कुछ नहीं लगा, ना मदरबोर्ड का। तो ये अंडर वारंटी में हुआ है और इसको हो गया था 2 साल 7 महीने हो चुके हैं इस एलईडी को, लेकिन इसका चार्ज 1 रुपया भी नहीं लगा। अगर इसमें कस्टमर का पैनल भी ख़राब हो जाता उसमें भी 1 रुपया भी नहीं लगता। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हमारा मदरबोर्ड जो है वो निकल गया है। ये हमारी डिस्प्ले की जो है जिक होती है, अगर ये हमारी लूजिंग वगैरह हुई तो हमारी डिस्प्ले में लाइनिंग वगैरह दिखने को मिल सकती है। तो इसको हम अच्छे से लगाना, इसको अच्छे से लगाना चाहिए हमें। साथ में एक दिया हमें अर्थिंग का और जो मेन पावर केबल है, एक जिक उसकी है और स्पीकर की दी हुई है। तो दोस्तों कोडेक एलईडी भी बहुत अच्छी एलईडी, कोडेक थॉमसन ये दोनों ही आपको, और एक होता ब्लमकट की, ये तीनों एलईडी है जो है सेम मदरबोर्ड है, सेम फंक्शंस वगैरह ही तीनों में। तो कोडेक थॉमसन और ब्लमकट तीनों एलईडी को बाई करते हो तो ये बहुत अच्छे रेट में मिलती, कम रेट में मिलती है और फीचर्स वगैरह भी अच्छे हैं इसमें। अगर आप चाहो तो इसको बाई कर सकते हो, अभी बीबीडी आएगी बिग बिलियन डे तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, ये कम पैसों में और अच्छा फीचर वगैरह है, जो रिव्यू है इसका वो अच्छा ही है। तो चलिए मदरबोर्ड हमने सेट कर दिया है नए वाला, अब इसको हम वापस से कवर को बंद करेंगे अच्छे से और फिर इसको हम हैंगिंग करके वापस वॉल माउंट करके इसको ऑन करेंगे।
ये कुछ लीड्स वगैरह है, पोर्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे हम वापस से जो केबल वगैरह है वो लगा देंगे एवी की केबल। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। यह है कोडेक स्मार्ट एलईडी हमारी 43 इंची है, जो पावर कंजप्शन है वो हमारी ओनली 85 वाट है, 85 वाट ही आपकी जो है पावर की बिजली जो है खपत करेगी आपकी। तो ये हमने लगा दिया है, अभी इसको ऑन करेंगे और फिर चला के देखते हैं हमारी एलईडी ऑन हुई या नहीं। इसमें हम रिपेयर नहीं करते, पूरा पूरा मदरबोर्ड चेंज होता है, रिपेयर का हमारा कोई इसमें काम नहीं होता, चाहे फॉल्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये कंपनी के द्वारा पूरा पूरा मदरबोर्ड चेंज होता है। ये सबसे अच्छी बात होती है कि हम इसमें रिपेयर नहीं करते। तो एलईडी हमारा ओके चल चुका है।